मैंने बहुत ही बैलेंस स्पाइसेस के साथ मज़ेदार से पाए बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी लिया था, 12 पाए लिए थे। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले इसकी एक साइड फ्राई करेंगे, फिर दूसरी साइड फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक साइड फ्राई हो चुकी थी, अब इसको पलट के दूसरी साइड इसको फ्राई की। सारी साइडें फ्राई हो चुकी थी। मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है तो प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया। एक टाइम पे सारे पाए, एक टाइम पे पाए में फ्राई नहीं हुए थे, फिर थोड़े से जो रह गए थे उनको फ्राई किया। यहाँ पे 3 मैंने मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए थे, उनको अच्छी तरह से फ्राई किया। 3 टेबलस्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया था, थोड़ा सा पानी डाला, ये सारे मेंशन स्पाइसेस डाले, फिर थोड़ा सा पानी डाला, इसको ढक के अच्छी तरह से कुक किया, मसाले को अच्छी तरह से फ्राई किया। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे योगर्ट लिया था, थोड़े से पानी में मिक्स किया और इस ठंडे पानी में मिक्स करके हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। यहाँ पे मसाला फ्राई हो चुका था, प्रेशर कुकर में सारा ट्रांसफर कर दिया। इसमें 10 ग्लास पानी के डाले थे और 15 मिनट के लिए इसको कुक किया था। अगर आप बीच में ज़रूर देखिएगा, सामने ये ना हो कि आपके पाए का पानी ख़त्म हो जाए, नीचे से जल जाए। मैंने इसमें धनिया डाला था, आपकी मर्ज़ी है, आप धनिया डालना चाहे तो डाल लें, अगर आपका दही दिल करता तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो।